हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे मल्टी कलर एलईडी के बारे में। ये फ्रेंड्स एलईडी, ये मल्टी कलर एलईडी है जो कि एक ही एलईडी में, जैसे कि नॉर्मल एलईडी में दो पिनें होती हैं, इसमें भी दो पिनें होती हैं, लेकिन इसमें फोर कलर में ये ग्लो करती है। इसमें देखिए, ये जो एलईडियां जल रही हैं इसमें एकदम बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। इसमें मैंने खाली डायरेक्ट सप्लाई से एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसके रंग बदल रहे हैं। ये जैसे रेड होती है, फिर ग्रीन हो जाती है, फिर ब्लू हो जाती है, फिर येलो हो जाती है। एक ही एलईडी चार कलर में चेंज होती है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका मैं सर्किट आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारी मल्टी कलर एलईडी है जो कि चार रंगों में ग्लो होती है। इसमें नॉर्मली जैसे एलईडी होती है वैसे ही दो पिनें होती हैं। ये देखिए, दो पिनें हैं। जो बड़ी वाली पिन है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली पिन निगेटिव होती है। किसी भी एलईडी में बड़ी वाली पिन देखिए, ये ऊपर वाली ये जो पिन है, ये बड़ी वाली पिन पॉजिटिव है, ये छोटी वाली पिन निगेटिव है। ये इसको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, नीचे वाली निगेटिव है। और इसको ये देखिए, 1.5 वोल्ट का सेल है ये। आपको ये एलईडी और ये सेल सब इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट शॉप में मिल जाएगा। तो देखिए, ये मैं इसको ग्लो करके दिखा देता हूँ। बड़ी वाली पिन ये ऊपर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब इसको हम लगा के दिखा देते हैं कि कैसे ग्लो कर रही है। ये देखिए, इसका देखिए कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये हर बार हर कुछ सेकंड में ये अपना कलर को चेंज कर देती है। देखिए, रेड हो गई, ग्रीन हो गई, ब्लू हो गई। ये देखिए, ब्लू हो गई, रेड हो गई, ग्रीन हो गई। इस तरह से कलर चेंज करती है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये जो मैंने सर्किट बनाया है, मैं इसकी सप्लाई भी अब निकाल देता हूँ। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स जितनी भी एलईडी हैं सबका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने ऊपर लगाया है और निगेटिव टर्मिनल पीछे लगा हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और इसमें मैंने जो सप्लाई वायर लगाया है उसको सप्लाई वायर पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। 1K का रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पे सप्लाई वायर जोड़ा, यहाँ रेजिस्टेंस के एक पिन पे मैंने सप्लाई वायर जोड़ा है और रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को ये मैंने पॉजिटिव लाइन पे जोड़ दिया। सारी एलईडी की पॉजिटिव लाइन को आपस में कनेक्ट कर दिया। देखिए, याली एलईडी यहाँ पे जुड़ी, याली एलईडी यहाँ पे, सब को एक तार से जोड़ दिया है, शॉर्टिंग कर दी है। और ये निगेटिव लाइन है, इस पर मैंने डायरेक्ट ये व्हाइट कलर का तार निगेटिव वाला कर दिया है। इसमें ये 6 वोल्ट मैं प्लस 5 वोल्ट या 6 वोल्ट हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे। ये ऊपर प्लस सप्लाई आई, प्लस सप्लाई हमारे रेजिस्टेंस पे आई। रेजिस्टेंस के आउटपुट को, रेजिस्टेंस के दूसरे तार को मैंने इसमें सब पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ दिया है। ये ऊपर एलईडी के पॉजिटिव हैं, सब आपस में कनेक्टेड है। ये नीचे एलईडी के निगेटिव हैं जो कि आपस में सब कनेक्टेड है एक वायर से द्वारा। और यहाँ पर मैंने बैटरी का निगेटिव जोड़ा हुआ है। ये मेरा सर्किट है, इसे मैंने 4 एलईडी लगाई हैं। आप 10, 15, 20 जितनी चाहें लगा देंगे। सारी एलईडी के पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ही सारी एलईडी के निगेटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव पे चूंकि ये एलईडी 1.5 वोल्ट की होती है, हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 5 वोल्ट या 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे, इसलिए हमने यहाँ 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया है। पॉजिटिव सप्लाई रेजिस्टेंस पे देंगे, रेजिस्टेंस के आउटपुट को मैं एलईडी के पॉजिटिव पे जोड़ दूंगा और निगेटिव वाला डायरेक्ट जोड़ दूंगा। अब ये देखिए, मैं इसको अब सप्लाई दे देता हूँ। ये मेरा कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर ये मैंने इसमें मार्किंग कर ली है। ये देखिए, मेरा रेड वाला पॉजिटिव है और इधर वाला जो प्लेन है वो निगेटिव है। इसमें भी इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव है। मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। ये देखिए, पॉजिटिव को जोड़ दिया, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी एलईडी मैंने पीसीबी भी बनाई है। ये देखिए, कलर चेंज हो रही है। ये फिलहाल मैंने 4 एलईडी लगाई है। फ्रेंड्स, आप 5, 6 जितनी चाहें एलईडी लगा सकते हैं, 10, 15, 20 जितनी चाहें लगा सकते हैं। बस सप्लाई वोल्टेज का ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस 5 वोल्ट या 6 वोल्ट सप्लाई देनी है। फ्रेंड्स, ये सारे कंपोनेंट की बाइंग लिंक और बाकी डिटेल मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट शॉप में मिल जाएंगी। ये मल्टी कलर एलईडी है जो कि एक ही एलईडी में चार कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो ये बार बार हर कुछ सेकंड में अपने कलर को चेंज करती है। और ये इसका कनेक्शन नॉर्मल एलईडी की तरह होता है, इसमें दो ही पिनी होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव।
तो फ्रेंड्स जैसे मैंने 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू दिया है इसमें, क्योंकि एलईडी 1.5 वोल्ट पे जलती है, और चूंकि और मेरी मेरी सप्लाई 5 वोल्ट या 6 वोल्ट थी, इसलिए मैंने इसको 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू दिया है। इनको पैरेलल में आपस में कनेक्टेड कर दिया है। सप्लाई वायर पे पॉजिटिव टर्मिनल पे मैंने 1K का रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस के आउटपुट को मैंने एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ दिया है। एलईडी के निगेटिव को आपस में कनेक्ट करके सारे एलईडी आपस में कनेक्टेड हैं एक वायर के द्वारा, और उस पर निगेटिव सप्लाई दे दी है। फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट शॉप पर मिल जाती है, तो ये करीब 3 से 5 रुपए के बीच में मिलती है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी बाइंग लिंक और बाकी जो भी डिटेल मेरी छूट जाएगी रह जाएगी मैं उसमें लिख दूंगा।